नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में दोस्तों प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों का मिक्स क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई द्वारा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? वह है दोस्तों कुतुब मीनार का। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है दोस्तों चंदावर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो वह है दोस्तों बलबन ने करवाया था। किसने करवाया था? बलबन ने। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो आए दोस्तों, तो किसके? खड़ी बोली के विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे, किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है दोस्तों, इसमें खिलजी लिखा हुआ है, खिलजी। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपका सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? किसका नाम सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? तो आया है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। जब सुल्तान नहीं बना था तो उसका पहले क्या नाम था? जौना खा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? 1336 ईस्वी में। आपका पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है दोस्तों। कहाँ? मदुरई में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय वह विजयनगर के राजा थे। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ओली कुतुब शाह ने करवाया था। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो वह हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार दोस्तों कहाँ स्थित है? तो चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है इसमें से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। ठीक है दोस्तों, तो कौन थे?
तो दोस्तों कौन थे? रामानुज आचार्य। कौन थे दोस्तों? रामानुज आचार्य। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु जो थे दोस्तों, रामानंद थे। आपका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट यह है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मघार। कहाँ पे है दोस्तों? वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों, आपका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका दोस्तों कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो जयदेव। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक, ठीक है दोस्तों, बीजक कबीर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के पति का नाम क्या था दोस्तों? राजकुमार भोजराज। क्या था? राजकुमार भोजराज। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हुआ था तलवंडी। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।